After a week-long travel across the lengths and breadths of Spiti, exploring the highest villages, mountains, the monasteries, and of course, the Chandratal, I am in the last leg of my journey at Manali, and here I'll be exploring another off-grid village. So let's begin. तो हमारे ग्रुप को गुड बाय बोल के हम निकल गए टू आर न्यू स्टे फॉर द डे विच वॉज इन ओल्ड मनाली एंड हियर इज अ स्मॉल टूर ऑफ दैट रूम। दिस वॉज द कल्चर नेशन हॉस्टल इन मनाली। दे हैव बोथ डॉर्म्स एज वेल एज प्राइवेट रूम्स एंड वी टुक द प्राइवेट रूम एंड this is how it was। hi guys, welcome or welcome back to my channel good times with priyanka। तो आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे और स्पीति ट्रिप इज ऑलमोस्ट डन और हम रोहतांग भी जाएंगे। तो स्पीति अभी कंप्लीट हो चुका है, आज हम मनाली में हैं और एक दिन एक्स्ट्रा हमने लिया था। सो वी आर थिंकिंग टू गो टू सेथन टुडे क्योंकि बाकी सारा जगह मनाली का काफ़ी क्राउडेड है। दैट्स एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट क्राउडेड, सो दैट्स द प्लेस वी आर थिंकिंग टू गो। तो अभी हम मॉल रोड में हैं, यहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन विल हेड टूवर्ड्स सेथन। तो मैंने टैक्सी बुक कर लिया है और जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए टूवर्ड्स सेथन जो कि मनाली से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ जाने के लिए आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आप या तो प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हो। आपको वो दो बार चेंज करनी पड़ सकती है एंड प्राइवेट टैक्सी विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2500 to 3000 रुपीज़। मैंने मॉल रोड से ही टैक्सी बुक कर लिया था एंड इट कॉस्टेड मी 2800 रुपीज़। सेथन जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, तो अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हो देन द ड्राइवर विल गेट इट फॉर यू। मेजर पार्ट ऑफ द रोड टू सेथन इज नॉट इन गुड कंडीशन विच इज़ वाई इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच जस्ट 12 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। देर आर अ टोटल ऑफ 35 हेयर पिन बेंड्स ऑन द वे और फिर आप पहुंच जाओगे इस शान से खूबसूरत से हैमलेट में। समर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स द हमटा पास ट्रैक वो भी यहीं से शुरू होता है। सो वी थॉट टू गो एक्सप्लोर द हमटा वैली एज मच एज वी कैन। द बेस ऑफ हमटा पास ट्रैक और हम ट्रैक तो नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली, तो हम थोड़ा दूर जाएंगे जितना जा सकेंगे एंड विद इन 1.5 hours or 2 hours वी विल बी बैक। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द प्लेस इज़। ये जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे क्राउड नहीं है, बहुत कम लोग हैं एंड इट्स स्टिल ऑफ द प्लेस नियर मनाली, सो इट्स ब्यूटिफुल। तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पे जो असली ट्रैक करने वाले हैं वो लोग जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैकिंग पाथ और वहाँ पे एक सुंदर सा ब्रिज है। सो वी आर वेटिंग, ये सब निकल जाएंगे उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। सो दैट वी कैन क्लिक सम गुड पिक्चर्स एंड दिस इज द पाथ फॉरवर्ड। वो रहे, वहाँ से जाना है। सो हियर इज द ब्रिज, ये क्रॉस करके हमें जाना है। हम्टा पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क एंड ब्यूटिफुल ट्रैक्स ऑफ द इंडियन हिमालयाज। ये स्टार्टिंग से ही इतना खूबसूरत था, आगे का आई कैन ओनली इमेजिन। दिस पार्ट वॉज सराउंडेड बाई टॉल माउंटेन्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट ऑन वन साइड एंड ग्रीन मेडवे स्ट्रेचेस ऑन द अदर। सो गाइज, हम और थोड़ा ऊपर चढ़ के आए एंड इट वॉज वेरी टायरिंग। हम अभी यहाँ पे बैठ गए हैं थोड़ा आराम करने के लिए। And the views are mind-blowing. It's so peaceful over here. बहुत अच्छी हवाएँ चल रही है and बहुत शांति है यहाँ पे। So we are having a really really good time over here. यहाँ पे छोटे छोटे shops भी हैं, आगे वो bridge के पास भी था। So if you need anything, you can always get it here. And the views are awesome. ये जगह इतनी सुंदर और पीसफुल थी, अ परफेक्ट प्लेस टू जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स। हाय गाइस, सो वी आर हैविंग अ रियली गुड टाइम ओवर हियर। अभी धूप था, धूप अभी चला गया है एंड दिस प्लेस इज इनसेन। दिस इज सो ब्यूटिफुल, द व्यूज आर मैग्निफिसेंट। सो हियर देयर इज अ वाटरफॉल, अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे देयर इज अ वाटरफॉल ओवर देयर, जो कि नेकेड आई से तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है बट कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा है। नॉनदलेस इट्स मेकिंग द लैंडस्केप सो सो प्रिटी। दिस इज द अदर पार्ट। तो यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हो ऐसे ट्रैक करके। तो हम तो उतना दूर नहीं जा रहे हैं बिकॉज We need to go back soon. तो हम यहीं पे हैं, यहीं से व्यूज़ का मज़ा ले रहे हैं। But this place is gorgeous, no doubt about it. So guys, we are returning now. काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे, हम करीबन 2 घंटा रुके पूरा मिला के एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक क्योंकि हमें वापस मनाली बस स्टैंड जाना है। वहाँ से हमारा बस है 6 बजे का। सो वी नीड टू मेक इट बाय दैट टाइम। और बीच में कैफेज भी थे, थोड़े बहुत थे सेथन में, तो कहीं कुछ अच्छा व्यू वाला मिल जाएगा तो वील हैव लंच ओवर देयर। सो यस, दिस इज हाउ इट्स गोइंग। बट ये हम्टा पास का जितना तक भी हम गए थे वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशली क्राउड नहीं था, विच वॉज द मेन रीज़न फॉर अस टू चूज़ दिस प्लेस। मनाली बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, कोई भी जगह मनाली का बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बट दिस इज स्टिल अनटच्ड एंड ऑफ बीट। सो यस, एंड एज विजिटर्स ये हमारा फ़र्ज़ है टू कीप देम अनटच्ड। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो प्लीज़ डू नॉट लिटर, अपना ट्रैश अपने साथ वापस लेकर आए।
वी स्टार्टेड फ्रॉम, और यहीं से वो वाटरफॉल दिख रहा है बहुत ऊपर से आ रहा है वो। We got back to our taxi and then we headed back to Sethan. गाइज अभी हम आए हैं एक कैफ़े हियर इन सेथन, द विलेज कैफ़े, और यहाँ से ये व्यू है एंड काफ़ी शांत सी जगह है, काफ़ी सुंदर जगह है। सो वी हैव ऑर्डर्ड चिकन पॉपकॉर्न एंड सैंडविच, सो वी आर वेटिंग फॉर ऑर्डर हियर। सो गाइज हमारा खाना आ चुका है, जस्ट द सैंडविच, और हैविंग अ वेरी गुड टाइम हियर विद दिस व्यू। अभी धूप नहीं था बट अभी धूप हो रहा है तो आ रहा है जा रहा है लाइक दैट, सो इट्स ब्यूटिफुल। काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ का तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो विल जस्ट हैव आर सैंडविच विद दिस व्यू। और फिर खाना खाने के बाद वी हेडेड बैक टू मनाली। द टैक्सी ड्रॉप्ड अस एट द बस स्टैंड जहाँ से हमारी बस थी दिल्ली के लिए, और बस ऐसे ही आर स्पीति ट्रिप केम टू एन एंड। द होल ट्रिप वॉज मोर दैन ब्यूटिफुल एंड नाउ वी वेर रिटर्निंग विद अ हार्ट्स फुल एंड पॉकेट्स फुल ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज। रास्ते में वी स्पॉटेड दिस हॉट एयर बलून्स। अभी मनाली और कुल्लू में दिस एक्टिविटी हैज़ गॉटन पॉपुलर एज मच एज द पैराग्लाइडिंग विच वी ऑल्सो स्पॉटेड ऑन आवर वे एंड वी बिड अ गुड बाय टू द माउंटेंस। I hope you enjoyed watching the whole Spiti series. If yes, please give it a big thumbs up and please subscribe to my channel. I'll see you very soon from a new destination. Until then, bye-bye, take care and see ya. Bye guys.